अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बनाएंगे गुलाब जामुन। वैसे ज़्यादा ये सभी को पसंद होती हैं, और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये मैंने गुलाब जामुन बिना खोए के बिना मावे के बनाई है। और ये देखिए कितनी टेस्टी दिख रही हैं। और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। उसके लिए ले 1/2 लीटर मिल्क, 2 टेबलस्पून रिफाइंड फ्लावर, 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून क्लैरिफाइड बटर, 2 कार्डमम और शुगर सिरप के लिए ले 1 कप शुगर। उसके बाद एक पैन लीजिएगा, उसको मीडियम टेम्परेचर पर रख लीजिएगा। उसके बाद ऐड कर दीजिएगा मिल्क और मिल्क को जो है बॉइल्ड होने दीजिएगा। ये देखिए मिल्क बॉइल्ड हो गया है। उसके बाद इसको कंटिन्यूसली जो है स्टिर करते रहिएगा। जब मिल्क बॉइल्ड हो जाए इसको बराबर जो है चम्मच से चलाते रहिएगा, और इसको इतनी देर तक कुक करेंगे इस मिल्क को जब तक ये थिक नहीं हो जाता। तो इसको मीडियम टू हाई टेम्परेचर पे कुक कर लेंगे। देखिए मिल्क जो है वो अभी इतना रिड्यूस है, इसको और रिड्यूस करना है, एकदम इसको थिक करना है, तो इसको और कुक कर लीजिएगा। ये देखिए कितना थिक हो गया है, बस इसी तरीके का चाहिए। अब इसको ठंडा कर लेंगे और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। ये देखिए ठंडा भी हो गए हैं। अब इस पर ऐड कर दिएगा मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद ऐड कर दिएगा घी और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा घी डालने के बाद, और इसका एकदम सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो रेडी कर लीजिएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। अब इसकी छोटी छोटी स्मॉल साइज की बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसमें 8 गुलाब जामुन जो है वो आराम से बनकर रेडी हो जाएंगे। उसके बाद एक पैन लीजिएगा, उस पर घी या ऑयल ऐड करिएगा और उसको मीडियम टेम्परेचर पर पहले गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद ये सारी बॉल्स को और इसको फ्राई कर लेंगे। इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो इसको मीडियम टेम्परेचर पर फ्राई कर लीजिएगा और इसको बीच बीच में इस तरीके से पलटते जाइएगा। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इसका थोड़ा सा और डार्क कलर लेके आएंगे, तो इसको थोड़ी देर और फ्राई कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसको बीच बीच में ज़रूर इस तरीके से पलटते जाइएगा कि सारे साइड जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। ये देखिए इसका कितना अच्छा सा कलर आ गया है। बस इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे। अब सबको निकाल लेते हैं। अब चलिए शुगर सिरप बनाते हैं। 1 कप शक्कर लिए हैं तो 1 कप पानी लेंगे। इससे एकदम परफेक्ट जो है शुगर सिरप बनता है। तो इसके बाद इस पर ऐड कर दिएगा इलायची और कुछ सैफ्रन थ्रेड्स, ये ऑप्शनल है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और एक टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और इसको इतनी देर तक कुक कर लेंगे कि इस पर एक बॉयल आ जाए और जो शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। तो देखिए इस पर बॉयल भी आ गया है और शुगर जो है वो डिज़ोल्व भी हो गई है। अब ये सारी फ्राई गुलाब जामुन जो है वो इस पर ऐड कर दिएगा इस तरीके से, और इसको कवर करके 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे मीडियम टेम्परेचर पर। जब इसको कवर कर लें तो 10 मिनट्स तक इसकी जो लेड है वो ओपन नहीं करिएगा। देखिए 10 मिनट्स हो गए हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको 2 to 3 hours इसी तरीके से रख देंगे कि जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से जो है शुगर सिरप इस पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसको 2 to 3 hours इसी तरीके से रख देते हैं। देखिए 2 to 3 hours हो गए हैं, ये कितनी अच्छी सी परफेक्ट सी गुलाब जामुन दिख रही है। तो आप लोग भी इस बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे कोई नई रेसिपी के साथ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।